अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। अच्छा, क्विक अपडेट, नए हॉस्टल में अब हम शिफ्ट हो रहे हैं। सिंस हमारा नया सेमेस्टर भी शुरू हो गया, वी विल बी शिफ्टिंग इनटू अ 2-पर्सन अपार्टमेंट। करंटली हम आरिब वगैरह के साथ, अल्लाह का शुक्र है, क्वाइट गुड टाइम हमारा स्पेंड हुआ है आरिब और अपना दानिल भाई। अभी हम शिफ्टिंग में सारा सामान है, सामान सारा बाहर वगैरह पड़ा है। अली और अपना मुनीब गए हुए हैं अपना नए हॉस्टल में, उनको सामान वगैरह पकड़ाया और वो वहाँ पर भी गए हुए हैं। सो अभी तो दो ट्रिप हमारे लग चुके हैं, आई बिलीव 3 या 4 ट्रिप और लग जाएंगे। पूरा सिर्फ कुरान पाक रह गया अंदर, ऊपर ये अपना अलमा कंबल है और ये 2-3 तकिए हैं बस, बाकी सारी खाली हो गई है। बस यही है, ये हमारी किताबें हैं वो। आई बिलीव 3 मैक्सिमम 3 ट्रिप और फिर इंशाल्लाह न्यू लोकेशन। ये 1 लास्ट टाइम हमारा व्यू होगा, दीवारें ग्रीनरी, दीवारें। सामान सारा शिफ्ट हो गया है, बस वहीं पे जा रहा हूँ। हैदर गया है, वेप मॉल वगैरह गया हुआ है मुनीब के साथ, पर मैंने अब जाके वहाँ कमरे में सेटिंग वगैरह करनी है। यहाँ पे तकरीबन सब क्लियर हो गया। ये वापस हम अपने, ये अब मेरा माशाल्लाह से नया रूम है, ये हमारा नया रूम है मेरा और अली का, हम दोनों यहाँ पे हैं। सामान काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है, दीज आर आर अपना कबर्ड्स हैं, माशाल्लाह देयर क्वाइट वेल बिल्ड, काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। यस, दो बंदों का, हम दोनों का शेयरिंग में होगा ये। वैसे भी आपस से कपड़े अक्सर पहन लेते होते हैं हम। ये शेल्फ है यार, ये शेल्फ बहुत अच्छी बनी हुई है, ये शेल्फ एंड दीज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स है। मैं अब काफ़ी एग्जॉस्टेड हूँ इस वक्त, सुबह का लगा हुआ, अभी एक दो और भी काम है, डॉक्टर साहब के पास भी जाना है, हैव टू पे अ विजिट टू हिम। बस ओ ब्लर कर दो, ठीक है। I'll catch up once he starts. Stadium pad, want a rock star in this life, gone live it up on me intact. Maybe I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm bad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up, cash in the bag. Stadium pad, maybe I'm bad. I just wanna stay mad, shit by my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift, sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes, it makes me go change into a better frame, into a better name, society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed, born a rock star in this life, gon' live it up on the attack, baby I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm... Finally, 2 hours lagge hain ya 2.5 hours lagge hain yaar, shifting ka alag time laga hai, aur ye sara samaan set karne mein bahut time laga hai, literally phat gayi hai meri, itna kiya hai, aur kya hai? अली ने तो पूरा सामान रख दिया था, ये अब बेडशीट वगैरह लगाई है, सारा कुछ किया, सामान ये सेट कर दिया मैंने, ये सामान वगैरह अपना टैशी वगैरह यहाँ पर रख दिया, ये खिड़की हमारी बेसिकली, और कबर्स में सारा सामान रख दिया, वो कूड़ा वगैरह, जूते मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, ये सारे जूते वगैरह, पता नहीं शायद ये बाद में चेंज कर दूँ, और लॉन्ड्री वगैरह बिल्कुल कैमरे के नीचे पड़ी हुई है, 1 मिनट, ये नीचे पड़ी हुई है, बहुत लग गया। अच्छा, ये हमारी लाइटिंग बहुत अच्छी है, मैं आप लोगों को माहौल दिखाता हूँ। ओह हो, लाइटें चेक करो, ये चेक करो, कमरे की लाइटिंग चेक करो। ओह हो यार, एकदम से ना अपने से पता नहीं क्यों कैमरा वो कर रहा है, कलर येलो है, ये कलर है एक्चुअल में, ये कलर है, ये एक ये वाला कलर है, और फिर अपना ये LED लाइट्स, सारी LED। अच्छा, अंदर वाली वो LED भी हैं, कमरे में लाइट बहुत ब्राइट है। ये जूते वगैरह रह गए, कूड़ा, वो लॉन्ड्री, वो हमारे सामने वॉशरूम है, और ये अभी मैंने सेट कर दिया है, वो ऊपर स्पीकर है, सिंगल एक स्पीकर, ये सारे कपड़े वगैरह, वो नीचे बैग है अपना, 1 मिनट, यस, ये बैग है हमारा, उसके अंदर भी जराबे वगैरह हैं, बॉक्सेस वगैरह हैं, उसमें भी जराबे हैं, और वो भी जराबे हैं, बॉक्स, जिम गियर वगैरह, स्कूल बैग टेम्प्रेरी तौर पर वो नीचे रख दिया। बस यार ये हो गया, और हाँ ये वाला कंपार्टमेंट, कुरान पाक ये पढ़ा हुआ है, कुरान ये रख दिया है, सामने वो हैं क्या कहते हैं, सेल्फ इम्प्रोवाइजिंग किताबें वगैरह, इनका भी ना मैं कभी डिटेल रिव्यू वगैरह करूँगा, रिसेंटली मैंने पढ़ना शुरू किया, ये वाली मैंने पढ़ ली है, द इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर, और मैंने शुरू किया था द ह्यूमन
48 लॉज ये मैंने पढ़ा है, तो कंसाइज लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बेसिकली बुक का ये नाम है। तो 48 लॉज ऑफ पावर काफ़ी फेमस है एंड अ वेल नोन बुक, जिनको पता है वो पता है। एंड यस इंशाल्लाह इनका भी करूँगा। ये किताब जो है ना आई एम श्योर बहुत ज़्यादा लोग इन्जॉय करेंगे, 100 थिंग्स मिलियनेयर्स डू, इसमें पॉइंट्स वगैरह बने हुए और ये वो बातें मैंशनड हैं कि हैबिट्स वगैरह जो एक सक्सेसफुल पर्सन अडोप्ट कर सकता है। खैर वो किताबें हो गई, ये यूनिवर्सिटी की किताबें हैं, रजिस्टर्स वगैरह हैं, और ये मेरा परफ्यूम्स वगैरह, मैन एसेसरीज या मैन केयर वगैरह कह सकते हो आप जो भी है। ये मॉइस्चराइजर है, ये तर, ये भी तर है, ये तर नहीं है, ये ऑयल है, स्पाइस पम्प, अ वेल नोन परफ्यूम है, क्वाइट गुड। ये अटेम्प्ट है बाई डेंट रोब, ये भी बहुत अच्छी है, सर्दियों में ये बहुत अच्छी परफ्यूम है। ये तर ज्यार है बाई जे डॉट इट्स गुड। ये डिओड्रेंट अपना बाय नीविया, बस यार ये मोटा मोटा सामान, वो क्रीम श्रीम ये वो, बस पूरा पूरा सामान है। एंड ये नीचे वो बी सी एस पढ़े हुए हैं, और वो क्या ओट्स वगैरह हैं, अपना सिंपल चने वगैरह इस तरह की चीज़ है, और नीचे इसरी वगैरह खाली है भी। सबसे ऊपर ये सर्दियों वाला कंबल है, ये भी वैसे अनऑर्गेनाइज फेंक दिया अंदर, बाद में करेंगे। हाँ बस यार आज के लिए आई बिलीव इतना ही, अगर तो और कुछ अपडेट करने हुआ तो वो बता देंगे। अच्छा वॉशरूम भी आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये वॉशरूम हमारा काफ़ी बड़ा यार, सामने वो है वॉश बेसिन, अपना आईना, ये आईना आ गया, इट एंड दैट क्लीन, बट ये अपना वॉशरूम, यप्स, और ये काफ़ी बड़ा है इन टर्म्स, ये देखो लंबा, ये फुल शॉवर वाला एरिया, और ये सामने हमें अपने नेबर नजर आते हैं नहाते हुए बाहर, वो भी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके गाइस एक मिनट, लेट नाइट रात को भाई कोक पीने का दिल कर रहा है, थकावट इतनी है यार। हालांकि ये हेल्दी चीज नहीं है इस मामले में कि बंदा कोक पिए, मगर तब तलब हो रही है बोतल पीने की, मैं कहा वाई नॉट बोतल पी लें सारे बोले। मैं आप लोगों को चीज़ दिखाना भूल गया था, ये हमारा किचन है, रात का वक्त है इसलिए खास मैं आप लोगों को लाइटें वगैरह नहीं ऑन करके दिखा सकता, फिर कभी इंशाल्लाह दिखा दूंगा। और ये हमारा हॉल वे है, सारा हॉल वे जब लाइटें ऑन होती हैं तो बड़ा लश लगता है। ये हमारा रूम है, फोर ऐसा बोलो क्यों अच्छा यहाँ से बंद हो गया, चीख भी नहीं निकली, बस मैं सुन सन्नाटा हो लाइफ में कोई पैड़े दिन हो ना हो, बाइक का पंक्चर कभी ना बंदे को लगे, टायर की हवा कम हो गई है, बिलीव में जैसे लशक पड़ा कि अपना पंक्चर है होया या क्या है। बाहर देखते हैं भाई, तो देख रहे हैं अभी पंक्चर, अभी खोल के देखेगा कि है कि नहीं है। हवा वैसे भी इसमें कम रही है काफ़ी देर, टायर भी इसका पूरा पूरा हो गया, ग्रिप ख़त्म हो गई है, नया लेने वाला है, लगा लेंगे इंशाल्लाह। बस यही ज़्यादा टाइम लग गया मेरा आज, मेरे हाथ से नया कमरा लिया ना, तो आर्य वगैरह ने भी चक्कर लगाना है, शायद इमरान भी आएंगे रात को वैसे विजिट वगैरह करने के लिए, और शायद हम रात को खाने पीने का भी प्लान बना लें, यार देखी जाएगी इंशाल्लाह। ये वो वाला व्लॉग है जो आप लोगों ने अभी देख लिया होगा, और ये वो वाला व्लॉग है जो आप लोग देखेंगे, इट्स अ पिज्जा पार्टी, इमरान भी वगैरह आए हैं, एवरी वन इज गोइंग टू हैव अ पिज्जा, सिंस हम यहाँ पे न्यू मूव हुए हैं, इट्स अ ग्रैंड ट्रीट फ्रॉम अस टू आवर ब्रदर्स आरिब, लुकमान, अली, सलमान भी हैं और इमरान भाई भी हैं। दो लार्ज पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन, प्लीज डोंट जज मी ऑन पापा जॉन, डील अच्छी थी आज, टू फॉर ट्यूजडे एंड वी अवेलेबल, दो बोथ ने आहा लश इंशाल्लाह मजा आ जाएगा हमें। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह।
अंदर भी है, ये भी है, सेपरेट भी दिए उसने। ये कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा मिर्च कौन खाता आज। ये वैसे मजे की बात है, जिस तरह इमली नहीं होती खट्टी, ये उस तरह का सीन है खट्टी इमली।